ये देख रहे हैं आप, ये तोता, इसको मैंने अंदर छोड़ा हुआ है, देखिए बड़े वाले को। और ये दूसरा जो तोता पीछे दिख रहा है ना आपको, ये नया तोता है, ये थोड़ा टेम तोता है, हाथ हाथ पर भी आता है, बच्चा है अभी, वो देखें। और अरे क्या हो गया उसको, वो मार रहा है, क्या कर रहा है, मार रहा है वो भी न, वो भी नर है ना, हाँ वो भी नर है, वो भी मेल है, बच्चे हाँ सही है, वरना बड़ा होता लड़ता ना, लड़ता, फाइट करता। और उसको छेड़ रहा वो देख, वो देख उसको टांग पकड़ रहा उसकी, हाँ मादी, मादी है क्या ये ब्रो, अबे क्या है ये, नर है मादी है, अबे मादी लग रही है तो फीमेल है फिर ये देखो बिल्कुल, हाँ सही सही, गुड हो गया फिर तो यार, अबे टायर्ड हो गया ऐसे तो, अबे वो दे, अबे सही हो गया, ओए होए ये प्यार कर रहा है, लड़ रहा है वाकई में, क्या कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो हमारे साथ एक प्रैंक बोले, स्कैम बोले, क्या बोले, हो चुका है, क्योंकि हम ये टेम तोता लेके आए थे, ये देखें, ये देखिए, ये दूसरा तोता बैठा हुआ है ना, ये पुराना तोता है जो ना, ये जो आपने देखा होगा कि उधर था, क्या नाम है, दूसरे बिजने में था छोटे वाले, तो ये उधर से था, ये उधर से हमने इधर शिफ्ट कर दिया, और वो जो दूसरा तोता आपको दिख रहा होगा थोड़ा, तो वो हम अभी आज ही लेके आया हूँ मैं, नया तोता, तो उसने मुझे बोला था, जिससे मैंने ख़रीदा है उसने मुझे बोला था कि ये तोता है, मतलब नर है, ठीक है, तो मैंने उसके लिए ले लिया, क्या नाम है, और पालतू भी है थोड़ा, हाथ हाथ पे भी आता है, तो मैंने उसके लिए ले लिया कि पालेंगे घर पे इसको, तो ये मैंने बोला इसके साथ छोड़ के देखता हूँ, तो मैंने इसको छोड़ा तो देखेंगे, देखिए ये देखिए तोता कैसे प्यार कर रहा है इसको, ये देखिए, तो मैंने इसको उसके साथ छोड़ा है, तो अभी पता लग रहा है कि ये नर नहीं मादी है, तो अच्छा है, चलो तोते के, हमारे तोते के लिए एक तोता पड़ा हुआ था, एक तोती मिल गई, और इधर दिखाऊँ आपको एक मुर्गा है, ये कुछ दिन पहले ही लिया है मैंने, ये देखें इसका शौक कर रहे हैं, अंडा दिया तुम लोग ने, ये देखें दोनों मुर्गियाँ ऐसे देख रही हैं, खाने आया हूँ इनको मैं, खा जाऊँगा बेटा कुछ दिनों में, अगर अंडा दिया तो, अंडा तो नहीं दिया हुआ है इन्होंने, कब अंडा दोगे यार, ये अभी अंडों में ना मुर्गियाँ तैयार हैं, मतलब हो सकता है कुछ दिन में अंडे देना शुरू कर दें, तो मेडिसिन भी चल रही है इनकी अंडे देने के लिए, और इधर आपको दिखाऊं, ये तो पट ढक के रखा हुआ तोते को, देखिए पर्दा ऐसे उठाया नहीं है, भिथकना शुरू हो गया है, ये एक जोड़ा इधर है, ये मादी है सामने, ये देखिए पर्दा उठाओ नहीं है, बोलना शुरू कर देती है, जाओ मटकी में जाओ, अंडे अंडे तो तारा मौसम आने वाला है तुम्हारा, ये देखिए वो तोता है पीछे, ये जब जब भी मैं पर्दा उठाता हूँ ये देखें, ये करती है, करती है ये आँखें, ये देखें यूँ कर लेगी, गुस्सा करती है, क्या करती है, ये देखें आँखें बिल्कुल इसने वो कर दी, छोटी कर दी, देख सकते हैं आप, और बाकी पिंजरे खाली हैं, क्योंकि जो तोते थे, एक तोता था वो उसके अंदर उन्होंने डाल दिया, और उसके साथ जो दूसरा तोता था वो हमने उठाया था कि समझ के उठाया था कि वो है, क्या नाम है, मादी है, तो वो नर निकला, और ये नर समझ के उठाया, और ये निकली मादी, और देखिए अपना ये, अबे मार रहा है उसको वो तोता, जैसे उसकी तरफ गया ना उसको मारा उसने, ये जो बजरी तोता है, और बाकी सारे नीचे मजे कर रहे हैं, और ये हमारा शामो बड़ा, ये काटता है, देखें ये काटने लग गया बहुत ज़्यादा, बाकी सब तो इधर ठीक है, ये पुरानी है, और वो हमने अभी ये देखें, ये मुर्गी है, ये अंडा दे रही थी, आपको पता है ये वाली सफेद वाली, जिस दिन के बाद से मैं डब्बा लगाया भाई, अंडे बन तकरीबन डब्बे लगाए हुए मुझे तकरीबन पाँच छः दिन हो चुके हैं, ज़्यादा हो चुके हैं बल्कि, उस दिन के बाद से अंडे ही बन भाई, अंडे ही नहीं आ रहे, और बताऊँ दिखाता हूँ आपको अंदर बैठे अभी, ये उड़ेंगे थोड़ा ये डर के मारे, ये देखिए ये अंडा कहीं आपको दिख रहा है, इन्होंने वॉशरूम बना दिया है इन्होंने डब्बों को, देखिए इतनी गंदगी करी हुई है अंदर भी, बहुत ज़्यादा गंदगी है, इसकी यहाँ सफाई करता हूँ, थोड़ा खुद हो लूँगा निकल जाएगा सारा गंदगी, अंदर आओ अंदर अंदर, दाना पानी इनको तो कर चुका मैंने, और
इनके लिए क्वांटिटी में इन बेचारों के लिए यार ज़्यादा मुर्गा मुर्गी हो गए तो 2 किलो से काम चलता नहीं है, 2-3 किलो से। तो क्वांटिटी में मैं दाना ले आया हूँ, ये देखें तकरीबन 20 किलो दाना है, इसमें मिक्स फीड वगैरह भी सब अंदर थैली में बंद है। और वो देखें वो कुछ चूज़ें जो अभी लेके आया हूँ, वो मेरे नहीं, किसी को देने के लिए लेके आया हूँ मैं, तो वो उनके बाद दे दूँगा थोड़ी देर में भी जाके। मंगवाए थे किसी ने मुझसे चूज़े प्यारे प्यारे से, दिल आ गया इनके ऊपर मेरा, लेकिन मैंने जब ही लिया अपने लिए, क्योंकि बचते हैं नहीं यार जी फजूल में, ये इनकी ज़िंदगी ज़ाया होगी किसी और के पास जाए, मैंने जब ही लिए नहीं। ये देखें ये मुर्गा, इसकी पता है खासियत क्या है, सबसे अच्छी बात जो है मुझे इसकी लगी है ना, ये वो लगी है इसकी सबसे अच्छी बात कि ये चूज़ों को भी नहीं मारता है। मैंने इसका चूज़ा ही बंद किया, चूज़ों को भी नहीं मारता है और मुर्गियों को तो बिल्कुल भी नहीं मारता है। और बाकी जो मुर्गे हैं ना, ये हो गया, ये मुर्गा हो गया, और वो मुर्गा घूम रहा है, वो हो गया, तो ये जो है ना, ये मुर्गियों को खाने वक्त खाते वक्त जैसे ये पानी पी रही है, दोनों साथ पानी पियेंगे तो चोंच मारते हैं सर पे, उसको मुर्गी को भगाते हैं, ये पता नहीं क्यों करता है मुर्गों पता नहीं क्या होता है मुर्गों को। तो इसमें बड़ी खासियत है, मिल के जब खाते हैं ना तो खाते रहते हैं, मतलब अबे यार थैली फाड़ दी इसने, मैं इसको निकाल के भूल गया, हट हट पीछे, इससे ये डर लगता है। देखिए अभी मैंने हाथ मारा इसको, ये काट लगा इतनी तो, उनको छेड़ा भाई, तुम बंद हो जाओ बेटा, तो बंद ही कर दो उसको, इधर आओ, आराम से आराम से आराम से, पकड़ते भी ना इतना डर लगता है ना, और इतना वजनी मुर्गा है, चल जा भाई अंदर, जीना आराम कर दिया बाहर आके तुमने, थोड़ी देर के लिए बाहर खोला मैंने, थोड़ा घूम फिर ले, ये उसको मारने में लगा हुआ। तो ये मैं बता रहा था कि ये मारता नहीं है बिल्कुल भी ना, मतलब नहीं मारेगा मुर्गियों को, बड़े फ्रेंडली है ये, इसके अंदर बड़ी अच्छी बात है। तो आज के व्लॉग यहीं एंड करते हैं, उम्मीद है कि आपको आज का हमारा व्लॉग पसंद आया, अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल अब्दुल्ला हैदर फार्म को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।